नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 7 नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 8 नवंबर से लेकर आज तक यानी कि 17 नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का आज हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस करने वाले हैं ना, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मुझे लगता है कि एक न एक प्रश्न आज के इस लेक्चर से जो आने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आपका छत्तीसगढ़ में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को पता भी है कि कंपटीशन कम्युनिटी का ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है रायपुर में। तो अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 से तो इंटरेस्टेड हैं और बहुत ही कम कीमत पर हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप रायपुर ऑफिस विजिट कर क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। शुल्क जो है मात्र 1100 रुपये रखा गया है और ऐसा दावा है मेरा कि इतने कम कीमत पर आपको छत्तीसगढ़ में कोई नहीं पढ़ा सकता, कहीं नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आप ऑफलाइन क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप रायपुर ऑफिस विजिट कर, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले जो ऑफिस था चेंज हो चुका है, नया वाला ऑफिस का जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप इस ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ ऑफिस हमारे ज़रूर विजिट करें। ठीक, चलिए पिछले लेक्चर में जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है या फिर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर या फिर ओलम्पिक। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा प्रस्तावित जिला किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। अभी आपको पता है कि 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है और एक अभी सूचना राज्य पत्र भी प्रकाशित किया गया है जिसमें इन जिलाओं का जो सीमांकन किस प्रकार से होगा उसकी जानकारी दी गई है। उसी के आधार पर यह क्वेश्चन है। अब बताइए कि कौन सा ऐसा जो है प्रस्तावित जिला है इन 4 में से जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। क्वेश्चन क्लियर है ना, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में भारत के अलावा कुल कितने देशों ने शिरकत की। यह क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्सी उत्पन्न कर सकता है, क्यों कर सकता है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। क्यों कॉन्ट्रोवर्सियल यह क्वेश्चन है इस वीडियो के एंड में भी मैं बताऊंगा जब इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक, अगला, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में कुल कितने विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया इस वर्ष। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर हम 4 क्वेश्चन का इस वीडियो के एंड में देखेंगे। और हाँ, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस साल चांसेस बनते हैं कि पूछा जाएगा, तो तैयार रहिएगा बेहतर तरीके से। ठीक, और एक बात और, जो आपका ACF रेंजर का एग्जाम आने वाला है, इसके अलावा मंडी निरीक्षक का एग्जाम आने वाला है, नवंबर के एंड में ही होगा, ऐसा ही कई भी एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो इन सब के लिए आपने जो डिमांड किया था कि बार बार पूरे साल भर का करंट अफेयर एक साथ करा दें, तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है। अभी प्लान है, अभी एक वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को जरूर दूंगा। 25 नवंबर को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एक मैराथन क्लास संचालित किया जाएगा। ठीक, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और इस मैराथन क्लास में हम पूरे साल भर के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास में, और उस क्लास का जो ड्यूरेशन होगा चाहे 5 घंटा लगे चाहे 6 घंटा लगे, हम एक ही दिन में लाइव क्लास के माध्यम से पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्लासेस जो है शाम को 5 बजे शुरू करने का ऐसा हमने सोचा है, अगर सही रहा सब कुछ तो 5 बजे ही शुरू करेंगे और रात को 10-11 बजे तक पूरे साल भर का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो है ख़त्म कर देंगे। चाहे CGPSC का भी कोई सा एग्जाम हो या छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, कोई सा भी एग्जाम आने वाला हो, सबके लिए यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस सेशन के बारे में आपका क्या कहना है या फिर अगर आप कोई सजेशन है
तो भी आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ये करें वो करें, या फिर आपके मन में जो भी डाउट होगा इस सेशन से संबंधित वो आप जरूर बताइएगा। चलिए डिस्कस करें। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो ऊपर में 2-3 स्टार जरूर लगा लिया कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ये जो टॉपिक है पद्मश्री अवार्ड 2020 और 21 से संबंधित है। 20 और 21 दोनों के लिए इसी वर्ष जो है पद्मश्री, जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं उससे विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया। कोविड-19 की वजह से 2020 में नहीं दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ से 2020 के लिए किन्हें मिला है ये याद रखिएगा। तो किन्हें मिला है, सूफी गायक हैं और संगीतकार हैं मदन सिंह चौहान, इन्हें वर्ष 2020 के लिए जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो सूफी गायक हैं और साथ ही साथ संगीतकार हैं। इसके अलावा वर्ष 2021 के लिए किन्हें मिला, पंथी नृत्य के मशहूर कलाकार हैं डॉक्टर राधेश्याम बारले। तो 2020 के लिए किसे मिला, 2021 के लिए किसे मिला, ये दोनों वर्ष का नाम याद रखना और दोनों का कैटेगरी याद रखना। इन्हें पंथी नृत्य के लिए दिया गया है, आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करें फोल्क एंड सूफी सिंगर किन के बारे में, मदन सिंह चौहान के बारे में। तो ये कहां के रहने वाले हैं ये भी आपको याद रखना होगा, ये रहने वाले हैं आपके रायपुर जिले के। ठीक, इसके बाद इनके बारे में याद रखिएगा जो 21 के लिए इन्हें मिला, डॉक्टर राधे श्याम बारले, इन्हें भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। और ये कहां के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा ये हैं दुर्ग से। ठीक, तो दोनों कहां से रहने वाले हैं ये भी याद रखिएगा। 5000 से अधिक परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है और इन्होंने भी जो है छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाया है, और इसलिए इन्हें जो है दोनों को पद्मश्री, एक को 20 के लिए और एक को 21 के लिए दिया गया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में भी समझेंगे। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, 1954 में। याद रखिएगा भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा यह जो है पुरस्कार वितरित किया जाता है, तो मंत्रालय है आपका गृह मंत्रालय। क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पद्म पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, भारत रत्न आता है आपका। उसके बाद पद्म पुरस्कारों का श्रृंखला आता है, जिसमें सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। यह भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जैसे मैंने आपको बताया। उद्देश्य क्या है, तो ऐसी सभी गतिविधियों और विषयों के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य लोगों या फिर संस्थानों के द्वारा किया जाता है उन्हें इस तत्व में शामिल करके जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखिएगा। जब से ये पद्म पुरस्कार शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, 1954 से, तब से लेकर अब तक सबसे 1979, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जितने भी बता रहा हूं, क्योंकि अगर हो सकता है किन्हें मिला है वो ना पूछकर पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ दे। 1978, 1979 और 1993 से लेकर 1997 तक पद्म पुरस्कारों को भारत सरकार ने निलंबित कर दिया था, यानी कि इतने वर्ष में किसी को पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। निलंबन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। अब पद्म पुरस्कार हर साल जो दिया जाता है उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो ये चयन करता है कि किसे पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जो भी प्रस्ताव आते हैं उसके आधार पर। और इस समिति का गठन कौन करता है, तो इस समिति का गठन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो इस समिति का गठन कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, तो इतनी बातों को आप पद्म पुरस्कार से संबंधित याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि वर्ष 2020 में टोटल पद्म पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 141। इसके अलावा 2021 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, 2021 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो ये नंबर है 119। ठीक, जिसमें से दोनों ही वर्ष सात सात लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 2020 में भी और 2021 में भी। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए अगला जो टॉपिक है, रामचुआ हरमू में बनेगा एक और जंगल सफारी। आपको अभी पता है कि रायपुर में मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है, जिसका नाम है नंदन वन
जंगल सफारी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आप लोग इसे बेहतर तरीके से मैं समझता हूं कि जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आज भी हम थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रामचुआ हरमो जो जहां जंगल सफारी बनेगा ये स्थित कहां है। तो ये स्थित है आपका कवर्धा जिले में। इस जंगल सफारी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा इस बात को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, यहां से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 191 हेक्टेयर क्षेत्र में यह जंगल सफारी जो निर्मित किया जाएगा और इसे भोरमदेव मंदिर जो कि कवर्धा में स्थित है उससे और अन्य पर्यटक स्थलों से जोड़कर जो है एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अगर कवर्धा की तरफ कोई यात्री या कोई पर्यटक घूमने जाता है तो वो इन सभी जगहों की तरफ आकर्षित हो, ठीक है। और इसके लिए जो खर्च होने वाला है यानी कि जो लागत होने वाला है वो 75 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह दूसरा जंगल सफारी कहाँ निर्मित किया जाएगा, कौन से जिले में है, कितना क्षेत्र होगा, कितना का बजट होगा और इसका लक्ष्य क्या है। अब यहाँ पर जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नवा रायपुर के तर्ज पर एक और जंगल सफारी को बनाया जाएगा, तो यहाँ पर नवा रायपुर जंगल सफारी के बारे में भी याद रखिएगा। तो ये हो सकता है कि जो न्यूज़ में है वो न पूछकर आपसे नवा रायपुर के जंगल सफारी के बारे में आपसे पूछ दिया जाए। तो नवा रायपुर जंगल सफारी का नाम जैसे मैंने आपको बताया, इसका पूरा नाम है नंदन वन जंगल सफारी, ठीक याद रखिएगा। कब शुरू हुआ, तो 16th फाउंडेशन डे किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का, कब, 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, मानव निर्मित जंगल सफारी का। इस जंगल सफारी का कुल क्षेत्र कितना है, 800 एकड़। इस 800 एकड़ में से 130 एकड़ जो है उसमें एक जलाशय निर्मित किया गया है जिसका नाम है खंडवा जलाशय। खंडवा जलाशय कहां स्थित है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इस 800 एकड़ के जंगल सफारी में 130 एकड़ खंडवा जलाशय है। इसके अलावा 4 तरह का सफारी भी बनाया गया है, 4 अलग अलग सफारी है, जिसमें सबसे पहला जो सफारी है उसका नाम क्या है, शाकाहारी। कितने सफारी है यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा, रिपीट किया जा सकता है। और व्यापम एग्जाम में ना ये सब सारे क्वेश्चन ना व्यापम का फेवरेट होता है। दूसरा पहला शाकाहारी, दूसरा जो है वो शेर सफारी है, तीसरा जो है आपका टाइगर सफारी है, चौथा जो है आपका भालू सफारी है। तो इस तरह से चारों सफारी का नाम भी आपको यहां पर याद रखना है। रायपुर में स्थित जंगल सफारी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है, गांवों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट खोले जाने का प्लान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आदेशित भी किया गया है। अब यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ग्रामीण सशक्तिकरण से संबंधित हम बात करें, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से संबंधित जब हम बात करते हैं, तो सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस पॉइंट में आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो इस टॉपिक का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और तेजी है और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 75% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे हाथों से प्रोडक्ट बनाए गए हों या फिर ग्रामीण कारीगरों की तरफ से बुनकर जैसे हो गए या फिर जो कुम्हार हो गए, इनके तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसे एक बड़ा मार्केट दिया जाए छत्तीसगढ़ के शहरों में, इसीलिए इस तरह का सी मार्ट खोले जाने का फैसला जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है। आधुनिक शोरूम की तरह ही इस सी मार्ट को खोला जाएगा ताकि शहर के लोग भी ग्रामीणों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसकी तरफ आकर्षित हो सके। सी मार्ट क्या होता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा सा दुकान होता है इस तरह का, जहां पर अगर आप जाते हो तो सभी तरह की चीजें मिलती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सी मार्ट जब ये खोला जाएगा शहरों में, तो यहां पर आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। इसके कुछ फैक्ट्स याद रखना है, फर्स्ट फेज में जितने भी सी मार्ट खोले जाएंगे जिला मुख्यालय में, अगर वो नगर निगम है तो यहां पर 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट में इसे ओपन किया जाएगा, और अगर ये किसी जिला में नगर पालिका क्षेत्र में खुल रहा है तो 6,000 से 8,000 स्क्वायर फीट में इसे खोला जाएगा। जो भी नया भवन बनेगा तो इसमें पैसा कहां से आएगा, तो डिपार्टमेंटल जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं
उसमें से पैसा आएगा। इसके अलावा लघु वनोपज संघ की जो राशि है उसका भी उपयोग स्मार्ट में किया जाएगा। ठीक, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पिछला वाला डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक और आंकड़ा आया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी एग्जामिनेशन है। वैक्सीनेशन COVID-19 से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए प्रयास, COVID-19 में अगर क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है तो वैल्यू एडिशन का काम ये बहुत करेगा। कोरोना वैक्सीनेशन में रायगढ़ जिला देश के टॉप जिला में शामिल है। यहां पर 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है वो अचीव कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ का तो पहला जिला है ही, साथ में भारत के भी टॉप जिलों में से एक है रायगढ़, इसलिए याद रखिएगा। 16 जनवरी से यहां पर टीकाकरण शुरू हुआ, पूरे भारत में भी 16 जनवरी से शुरू हुआ था, और अभी तक 298 दिनों में टीकाकरण का 100% टारगेट जो था वो अचीव किया है रायगढ़ जिले ने। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स याद रखिएगा, 10,68,456 लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था रायगढ़ में, जिसे पूरा कर लिया है, यानी कि लगभग 21 लाख डोज, यानी कि मैं सिंगल डोज की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों डोज लग चुका है। और यहां के लोग कितने जागरूक हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। आप भी अगर अभी तक वैक्सीनेशन अपना नहीं करवाया तो जरूर करवाएं, रायगढ़ के लोगों से हम सभी को सीखने की जरूरत है। ठीक, रायगढ़ जिला जो है टीकाकरण के मामले में पूरे देश भर में अव्वल जिलों में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये आप भी आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खैरागढ़ के विधायक जिनका नाम है देवव्रत सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये सिर्फ 52 वर्ष के थे। हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ विधानसभा आता है और खैरागढ़ राज परिवार से ये संबंध रखते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज परिवार से संबंध रखने वाले देवव्रत सिंह जो कि विधायक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य थे। और पहली बार 1995 में जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो यह विधायक चुन के आए थे। उसके बाद 1997 में भी विधायक बने, 2003 में भी ये विधायक बने, उस समय तक ये कांग्रेस में थे, और 2017 में ये चले गए थे अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस में, और 2007 में ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था तो वहाँ से ये सांसद भी बनकर संसद पहुँचे थे। तो इनके बारे में आपको इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव। हाँ, और इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पता है ना कहाँ मिलता है, पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर और जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज से अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एक लिंक पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करें और जाकर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया, सबसे पहले पॉइंट पे याद रखिएगा, रायपुर में किया गया। ठीक, किसके द्वारा किया गया, तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। इस कॉन्क्लेव का नाम क्या था, तो इस कॉन्क्लेव का पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम। कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 14 से 15 नवंबर तक आयोजित किया गया, यानी कि 2 दिवसीय यह कॉन्क्लेव था। रायपुर में कहां किया गया, तो साइंस कॉलेज मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, वहीं इसका आयोजन किया गया। और इस समागम में छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग कोने से प्रतिष्ठित शिक्षक, इनोवेटिव टीचर सब ने हिस्सा लिया। और खास बात यह रहा कि 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी भी वर्चुअली रूप से मौजूद थे। इस कॉन्क्लेव के बारे में याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, किस उद्देश्य के साथ में आयोजित किया गया, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये सब सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये टॉपिक मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाइएगा, 2-3 स्टार तो लगा ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये काम आने वाला है, या तो प्रीलिम्स में पूछेगा, नहीं पूछा तो मेंस में काम आ जाएगा। एक कैंपेन है जिसका नाम है सांस, और इसके साथ ही एक
जो है सप्ताह भी आयोजित किया गया, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सांस अभियान और राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का शुभारंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा 12 नवंबर को और क्या मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड ना पूछे तो कुछ देगा, निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए 12 नवंबर। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला वीडियो ना कंटेंट रेडी है, 102 दिन में मैं उसे रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो उसका भी फिक्र ना कीजिएगा। अब इसमें सांस का मतलब क्या है, तो सांस का फुल फॉर्म है सोशियल अवेयरनेस एंड एक्शन टू। अब यहां पर जो सांस है, इस सांस का मतलब क्या है, तो सांस का मतलब है सोशियल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। बच्चों में निमोनिया की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से इस कैंपेन को शुरू किया गया है और COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 12 नवंबर से 28 फरवरी 2020 तक सांस अभियान को चलाया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सांस अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया, कब से कब तक चलेगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। एक डेटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरे देश भर में 14% जो नवजात बच्चे हैं उनकी मृत्यु किस वजह से होती है, निमोनिया की वजह से होती है। अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में निमोनिया से ग्रसित बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे वो आंकड़ा मैं आगे आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। यहां पर कुछ और पॉइंट्स, तब तक आप लोग देख लीजिए। अब इस सांस कैंपेन को शुरू करते समय राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ सिंहदेव जी द्वारा किया गया और थीम क्या था, तो सेफ्टी क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर वर्थ राइट एवरी न्यू बॉर्न, ये था नवजात शिशु सप्ताह का थीम। थीम भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांस कैंपेन कब से कब तक चलेगा वो याद रखिएगा, और यह जो है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। और दोनों का उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में जो बच्चों को निमोनिया से जिनकी मौत हो जाती है, इस रेट को कम किया जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। अगर आप 2020 के आंकड़ों के आधार पर देखेंगे, पूरे देश भर में जैसे मैंने बताया कि 14% जो नवजात बच्चों की मौत होती है वो सिर्फ निमोनिया की वजह से होता है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ भी निमोनिया से मृत्यु दर में टॉप 5 स्टेट्स में आता है। टॉप पे कौन है, मध्य प्रदेश, जहां पर जो है 48% नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश 43% बाल मृत्यु दर का जो रेट है उत्तर प्रदेश का वो है 43%, असम का 41% है और छत्तीसगढ़ का भी 41% है बाल मृत्यु दर में, याद रखिएगा। और टीएस सिंहदेव ने लक्ष्य रखा है कि इसमें आने वाले एक साल में 20% की कमी की जाएगी, यानी कि एक साल में आधा जो है वो कम करने का लक्ष्य रखा गया है टीएस सिंहदेव द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और ये कुछ टॉप स्टेट्स हैं जहां पर बाल मृत्यु दर अधिक है, इनके बारे में आप याद रखिएगा, वैल्यूएशन किया जा सकता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, निमोनिया नहीं तो बचपन नहीं, एक ऐसा उद्देश्य दिया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी द्वारा, और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखे जाने के उद्देश्य से शुरू किया गया और प्रदेश के लगभग 35 लाख बच्चे जो हैं लगभग लाभान्वित किए जाएंगे इस कैंपेन से। अगला टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, दिव्यांगों के लिए यहां पर सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को जो है 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में एक डिपार्टमेंट कार्य करता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। इसके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ सरकार को 3 इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से वो कैटेगरी है इस पर हम डिसाइड करते हैं, और यह जो पुरस्कार है ध्यान रखिएगा वर्ष 2020 के लिए दिया जा रहा है। कितने कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलेगा, तो टोटल 3 पुरस्कार मिलेगा 3 कैटेगरी में। कौन कौन से पुरस्कार है और कौन कौन से कैटेगरी में मिलेगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि ये पुरस्कार कब मिलेगा, 3 सितंबर को मिलेगा, और 3 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अब सबसे पहला बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कौन से संस्थान को मिलेगा, तो बिलासपुर में स्थित है समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित
बेल प्रेस बिलासपुर में स्थित है, इसे इस कैटेगरी में मिलेगा। दूसरा कैटेगरी है विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण में निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में, ये किसे मिलेगा? अटल नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, यानी कि किसी भी प्रकार से बिना बैरियर का यानी कि बैरियर फ्री दिव्यांगों के लिए कार्य करने के क्षेत्र में अटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन्होंने जो है दिव्यांगों के लिए बेहतर कार्य किया है, बैरियर फ्री कार्य किया है, इसीलिए इस श्रेणी में अटल नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी नवा रायपुर को अवार्ड मिलेगा। ये हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरा जो कैटेगरी है वो दिव्यांगजन के लिए स्वरोजगार, यानी कि उन्हें सेल्फ एम्पावर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब होता है एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में जो दिया गया है किसी निजी संस्थान को दिया जाता है, और जैसे एनजीओ हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसे दिया जाता है, तो इस कैटेगरी में दिया गया है समता कॉलोनी में स्थित है नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स, इसका चयन जो किया गया है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयर। ये दिव्यांग लोगों को जॉब देते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं, इस क्षेत्र में इसे अवार्ड दिया जाएगा 3 दिसंबर को। तो ये तीनों कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जा रहा है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दिव्यांगों से सशक्तिकरण से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और भी बेहतर कार्य किए गए हैं, जैसे 2019 का याद है आपको, हमने पढ़ा भी है, जब पंचायत का चुनाव हो रहा था, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं दिव्यांगों से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगर सोशल वेलफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिव्यांगों का ये पॉइंट आप वैल्यूएशन के तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि दिव्यांगों के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो आप इस पॉइंट को याद कर सकते हो। तो जब 2019 में पंचायतों का चुनाव किया जा रहा था तो छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश का पहला ऐसा राज्य सरकार बनी थी जिन्होंने पंचायत चुनाव में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का घोषणा किया था, और हर पंचायत में ऐसा कहा गया था कि एक दिव्यांग प्रतिनिधि होना आवश्यक है इस आरक्षण के तहत। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे दिव्यांगों का टोटल पॉपुलेशन का 6% जो जनसंख्या है वो दिव्यांगों का है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस जो 2019 के पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया था उसमें कम से कम हर पंचायत में एक दिव्यांग का होना जरूरी बताया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान होता है। और पिछले 2 वर्ष से अगर आप देखोगे 2019 में भी छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट में था, 2020 में भी छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट में था, और 2021 में भी छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट में है। हालांकि पूरा आंकड़ा जो है कंप्लीट कौन सा शहर टॉप पे है, जैसे हमने पढ़ा था अंबिकापुर तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, इंदौर हर साल पहले नंबर पे आता है, और इस साल 20 नवंबर को एक कंप्लीट आंकड़ा रिलीज होगा, उस वक्त भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि 2021 में छत्तीसगढ़ फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए जितना भी स्टार लगाना चाहो, आपके हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना स्टार लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में अवार्ड मिलने वाला है राष्ट्रपति द्वारा सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में, रामनाथ कोविंद द्वारा जो है ये आपको पुरस्कृत किया जाएगा। 2019-2020 में भी छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट में था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को ना सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 61 शहरों और नगरीय निकाय जितने भी हैं उसे भी सम्मानित किया जाना है। तो ऐसे ही तो टॉप स्टेट होता है ना, देखा जाता है, एक्चुअल देखोगे ना तो ये शहरी रैंकिंग है, शहरों का रैंकिंग रिलीज किया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। अब जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए वहाँ के 40 शहर स्वच्छता रैंकिंग के अंडर में आए और उन्हें पुरस्कृत किया गया, मध्य प्रदेश का मान लो 50 आया, तो देखा जाता है कि कौन से राज्य के सबसे ज़्यादा निकायों को या शहरों को पुरस्कृत किया गया, और जिस राज्य को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिलता है वो राज्य जो है टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा जो शहरों को पुरस्कार मिलेगा वो छत्तीसगढ़ का होगा। कंप्लीट डेटा मैं कब बोल रहा हूँ, 20 नवंबर को आएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य था जिसे ODF प्लस प्लस राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य में जो प्लस प्लस कैटेगरी होता है उसमें देश का इकलौता राज्य है छत्तीसगढ़ जिसे प्लस प्लस कैटेगरी में रखा गया था। तो जब कंप्लीट डेटा आता है तो इसके बारे में और विस्तृत हम लोग जानकारी लेंगे। ये भी एक टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, और शुरू में ही मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आज जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना,
सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों का ये भी कंसर्न रहता है कि बहुत डिटेल में चले जाते हो, तो डिटेल में इसलिए जाता हूँ यार कि सिर्फ प्रिलिम से तो एग्जाम निकलेगा नहीं, तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे, लंबे समय तक याद रख पाओगे, तो इसलिए डिटेल में जाता हूँ ताकि आप वैल्यू एडिशन भी चीज़ों को कर पाओ। ठीक है, प्रिलिम्स के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया करते हैं, रिविजन हम लोग कर ही लिया करते हैं, और 25 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उसके लिए महामैराथन क्लास कह लो, छत्तीसगढ़ में इतने बेहतर तरीके से आपको मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाएगा, तो आप 25 तारीख के लिए भी रेडी रहना। ठीक, 3 दिवसीय जनजातीय क्राफ्ट मेला 2021 व्यापम का मैंने बोला कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना, उसका फेवरेट होता है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 15 नवंबर से 17 नवंबर तक। किसके द्वारा? तो आज आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि नवा रायपुर में स्थित है, और ये इसमें हेल्प करेगा, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय हेल्प कर रहा है, आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाट बाजार पंडरी रायपुर में। उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय जितने भी क्राफ्ट्स होते हैं, हैंडमेड क्राफ्ट्स हो गए, हथकरघा हो गया, कुम्हारों के द्वारा जो बनाया जाता है, इन सब को संरक्षित करने के लिए, स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये 3 दिवसीय जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक, ये कुछ प्रायोजक हैं, आयोजक हैं, किसके द्वारा किया जाएगा याद रखिएगा, कहाँ किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए तो खासकर हो ही जाता है। झीरम घाटी हमले की जांच से संबंधित है। हमला कब हुआ था? 2013 में हुआ था। एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनका ट्रांसफर हो चुका है, कहाँ? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के ही अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी अध्यक्षता में इस घटने का जांच चल रहा था, और इन्होंने अंततः जो है इनका सितंबर में इस आयोग, इनकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, और सितंबर में इस आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा था। 6 नवंबर को इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है वो सौंप दिया राज्यपाल को। इस घाटी से संबंधित लगभग 4000 से अधिक पेजों का रिपोर्ट था, वो सौंप दिया गया। याद रखिएगा कितने पेज का रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया, झीरम घाटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा, 4184 पेज का जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल भी मचा कि ये परंपरा के गत के अंतर्गत नहीं है, राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं सौंपा जाना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपा जाना चाहिए था, तो इस पर काफ़ी बवाल भी मचा है। अब जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ, इन्होंने अपना पहला रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो इसी घाटी से संबंधित एक और न्यायिक जांच आयोग के लिए, जिसमें 3 कैटेगरी डिसाइड किया गया, फिर से एक आयोग का गठन किया गया है, 2 सदस्यीय आयोग है, जिसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो है पूर्व न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सतीश अग्निहोत्री, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, और एक अन्य सदस्य होंगे न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन, ये आयोग के सदस्य होंगे। तो फिर से जो झीरम घाटी आयोग हमले की जांच के लिए एक और आयोग का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में किया गया है और एक और सदस्य का नाम क्या है, तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा। अब ये 3 कैटेगरी में जो है बहुत हद तक जो जांच है वो प्रशांत कुमार मिश्रा वाला कमेटी कर चुकी है, ये 3 कैटेगरी में जो है वो इस आयोग का काम होगा कि आप अब जो बचा हुआ कार्य है वो जांच करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का कार्यकाल जैसे मैंने बोला 30 सितंबर को ही समाप्त हो चुका था। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय नियुक्त किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि छत्तीसगढ़ में पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख नियुक्त किए गए थे, कौन? DM अवस्थी। अब इनके स्थान पर नया जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है, नक्सल अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने से पहले अशोक जुनेजा कहाँ कार्यरत थे, तो ये नक्सल अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे। इससे पहले कौन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, तो DM अवस्थी, ये भी पता होना चाहिए। और जो अशोक जुनेजा हैं, ये अशोक जुनेजा जो है भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करता हूँ दे दिए होंगे।
अब आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर कहीं से भी देख लीजिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। ये है बायोफ्यूल का सेक्टर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश में कौन सा प्रस्तावित जिला किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव से अलग करके इसे बनाया जा रहा है, आप लोगों को अच्छे से बताएं। और ये जो है महाराष्ट्र को भी टच करेगा। ठीक, अब सारंगढ़, बिलाईगढ़ जो है ये टच करेगा उड़ीसा को, और शक्ति जो है किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करेगा। तो कौन सा जिला स्पर्श नहीं करेगा आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? शक्ति। थोड़ा सा दिमाग लगा के, उस समय अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और सोचिएगा ऐसे ही कुछ भी, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऐसे ही कुछ भी आंसर मत कर दीजिएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में भारत के अलावा कुल कितने देशों ने शिरकत किया? आंसर होगा 8। आप कंफ्यूज होंगे 7 में, हर जगह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी 7-7-7 लिखा, लेकिन 8 देशों का उल्लेख उसने खुद डेटा में किया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 8 होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में कुल कितने विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया? आंसर होगा 31। 2021 में जो है 31 लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और सबसे ज्यादा संस्कृति विभाग द्वारा 8 लोगों को पुरस्कृत किया गया है 8 कैटेगरी में। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पीडीएफ 24 घंटे के बाद अपलोड हो जाता है। और मैराथन क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई सजेशन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सजेशन देना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, जब सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ना फरवरी के महीने में, उससे पहले एक और मैराथन क्लास करूंगा, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से रिविजन हो जाएगा। जो एग्जाम्स आप देने वाले हो उसके लिए तो बेनिफिट होगा ही, प्रीलिम्स के लिए भी, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप सजेशन जरूर दीजिएगा। और इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you.